नमस्कार दोस्तों, मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महावीर वैष्णव, आप देख रहे हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी। आपके लिए लेके आया हूँ आज मीडियाटेक के प्रोसेसर के बारे में कि क्या होता है प्रोसेसर, किस तरह काम करता है। और काफ़ी लोगों ने डिमांड की है कि मीडियाटेक के P70 पे अच्छा एक वीडियो बनाओ, तो मैं इसी के बारे में आपको प्रोसेसर के बारे में बात करता हूँ, क्या प्रोसेसर काम देता है, किस तरह मोबाइल के अंदर काम आता है, और लेटेस्ट जो प्रोसेसर है हीलियो P90 का प्रोसेसर है, ये किस काम आता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मैंने एक छोटे से प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा था इसी, तो थोड़ा सा एक मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने बोला था कि अगर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए तो मैं किसी भी एक यूजर्स को ये मिल सकता है अमेरिका 2000 mAh का पावर बैंक, जो मेरे पास अभी भी पड़ा है। मैंने बोला था 1000 सब्सक्राइब के बाद ये कम्प्लीट होगा गिव अवे। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर आप ये पावर बैंक है, इसकी जो प्राइस है वो है 1800 रुपये mAh का पावर बैंक है, 20000 mAh का पावर बैंक है। अच्छा पावर बैंक यूज़ मैं भी करता हूँ, मगर ये मैंने गिवअवे रखा था। तो आप कोई भी एक यूजर्स ये जी सकता है पावर बैंक। आपको कुछ नहीं करना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बारे में mAh पावर बैंक के बारे में, और अगर आप जीतना चाहते हो तो थोड़े दिन वेट कीजिए, इसका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा और चलते रहे इसी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था प्रोसेसर के बारे में, तो आप देख रहे हैं मीडियाटेक के और कॉलकॉम वगैरह और 3-4 प्रोसेसर इसके अंदर घुस गए हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो किस तरह प्रोसेसर किस तरह काम करता है, किस मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर काम करता है, ये आप कभी नहीं देखते हो। आप जब भी मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले उसके अंदर देखते हो कि मोबाइल के अंदर कैमरा 25 मेगापिक्सल हो या 30 मेगापिक्सल हो, या उसके अंदर देखते हो सेल्फी कैमरा अच्छा होना चाहिए, या कुछ और कुछ इसके अंदर आप देखते हो, रैम 4GB होनी चाहिए, 32GB इंटरनल मेमोरी कार्ड होनी चाहिए। तो आप कभी प्रोसेसर के बारे में आप कभी ध्यान नहीं देते हो कि कौन सा प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है और किस टेक्नोलॉजी पे ये काम करेगा। तो मैंने इसी बारे में, तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जब भी मोबाइल खरीदने जाओ तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात रखिए कि प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, क्या प्राइस के अंदर आ रहा है, और कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, और क्या इसके अंदर खास फैसिलिटी में आपको मिल रही है। तो मीडियाटेक का प्रोसेसर है वो हैवी डिमांड पे काम करता है, अलग अलग प्रोसेसर के अंदर काम करता है। तो मोबाइल के अंदर सबसे बड़ी बात प्रोसेसर क्या है कि उसके अंदर होता है एक सबसे बड़ी चिप होती है जो मोबाइल के अंदर आती है, जो प्रोसेसर लगा हुआ है तभी ये मोबाइल आगे काम करता है। ये प्रोसेसर किस वजह से काम करता है, जैसे भी मीडियाटेक ने जो अपना है केस P60, P70 और सीधा P90 पे लेके आ गया, तो P80 का आ गया, तो उसने प्रोसेसर के बारे में ऐसा ध्यान रखा है कि अभी होने वाला है 5G लॉन्च, तो किसी भी वक्त ये 5G लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर, और ये उसको प्रोसेसर P90 है वो उसके हिसाब से उसने ज़्यादा डिमांड कर दी कि उसके अंदर 5G भी सपोर्ट कर लेगा आपको और कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये P90 प्रोसेसर ऑलरेडी ये आ गया बाहर कि क्या क्या उसके अंदर होने वाले हैं। तो उसके अंदर आपको ये मिलता है कि आप 5G सपोर्ट कर सकते हो, ड्यूल वोल्टेज यूज़ कर सकते हो, और बाकी सारी कॉलकॉम और वगैरह कुछ आपको इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो उसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं तो वो आता है एक अलग सेपरेट मोड पे आ जाता है, आपको कुछ फास्ट चार्जिंग काम करेगा, जो प्रोसेसर होता है एक चार्जिंग के अंदर बहुत ही डिमांड है उसकी, तो वो चार्जिंग एक फास्ट सपोर्ट करेगा। आपके कैमरा जो होता है वो 25-40 मेगापिक्सल तक सपोर्ट कर सकता है, P70 है वो 25 या 30 तक कर सकता है, और जो P90 जो है मीडियाटेक का वो करता है आपको 40-45 मेगापिक्सल तक काम करता है इस सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी जो प्रोसेसर होता है वो कैमरे के अंदर ही भी एक रिकॉर्ड में होता है कि वो कैमरा भी कैसे सपोर्ट करता है, किस तरह से यूज करते हैं, तो इसी के बारे में ये वीडियो है। तो मैंने बनाया था, तो अगर आपको इस वीडियो में और कुछ जानना है या मीडियाटेक के बारे में या हीलियो P70 जो आता है, अलग अलग प्रोसेसर आते हैं, 4 प्रकार के प्रोसेसर होते हैं, उसके अंदर अलग अलग डिमांड होती है, या कॉलकॉम 2 आता है, कॉलकॉम 2 जो P90 प्रोसेसर है उसके अंदर आता है 2.2 GB पे काम करता है कि आपको फास्ट दे, P60 जो होता था वो होता है 1.5 पे, और जब से P70 आया है वो आता है 2.0 GB से, और P90 आया है वो 2.2 GB पे काम करता है। तो इसी तरह प्रोसेसर अलग अलग कंपनी अलग अलग तैयार कर रही है अपनी, और जो आता है स्नैपड्रैगन 855 वो आया है लेटेस्ट प्रोसेसर 5G की सपोर्ट में। तो ये प्रोसेसर के अंदर आपको बहुत बहुत अलग अलग डिमांड मिलती रहेगी। तो इसी तरह आप प्रोसेसर आप जब भी मोबाइल खरीदने जाओ तो मेरी सबसे बड़ी रिकमेंड है कि आप प्रोसेसर के ऊपर जरूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी बजा दीजिए, और जो भी आपकी रिकमेंड है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और ठीक 5-6 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसी वीडियो में इसके बारे में लिख दीजिए कमेंट। तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने इंस्टाग्राम के फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और Realme U1 का गिवअवे चल रहा है दोस्तों, जाके जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए। Realme U1 का गिवअवे अभी बाकी चल रहा है, जल्दी जाइए पार्टिसिपेट कीजिए जल्दी, उसके अंदर वीडियो और कुछ आने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।